subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नितिन आर के कंधारी, भाजपा के नवी मुंबई जिला उपाध्यक्ष। जब कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उससे पूरा करके ही रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ऐसा ही एक काम जिसे पूरा होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कांस्टेंट फॉलोअप से भी काम उन्होंने पूरा कर दिया है। दरअसल वाशी सेक्टर 17 बिग स्प्लैश के यहाँ ट्रैफिक का बड़ा इश्यू हो रहा था। पालिका की ओर से यहाँ नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए थे। इसके बारे में नवी मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष नितिन कंधारी ने ट्रैफिक पुलिस और नवी मुंबई महापालिका को निवेदन दिया और सुझाव भी दिया कि यहाँ घने और पुराने पेड़ कई सालों से हैं, अगर इन पेड़ों के बीच में किंग की जाए तो ट्रैफिक का इश्यू खत्म हो जाएगा और दुकानदार और नागरिकों को भी परेशानी नहीं होगी। पालिका प्रशासन ने यह सुझाव मान्य करते हुए नो पार्किंग के बोर्ड हटाए हैं और ट्रैफिक की समस्या भी हल हो गई है। साथ ही वहाँ के दुकानदार और नागरिकों ने नितिन कंधारी के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें भी धन्यवाद दिया। सर, पहले हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का अपना हिसाब आरटीओ का उसका बहुत तकलीफ था, अभी सब निकल गया है हमारा और सब हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, कस्टमरों के लिए भी अच्छा हो गया है और ट्रैफिक वाले का और जिन्होंने मेहनत किया है, नितिन भाई का जिन्होंने भी मेहनत किया उनके हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ पे नितिन भाई है, नितिन कंधारी जी, जो हमारे 30 साल पुराने फ्रेंड है और ये बीजेपी के सेवक हैं और इन्होंने हमारे लिए वो काम किया है जो हम लोग बरसों से विनती करते आ रहे हैं अपने एनएमसी से कि पार्किंग का हमारे यहाँ पे बहुत इशू है। बिग स्प्लैश में हमारा दुकान है यहाँ पे, इसके जब भी से वो पार्किंग हटाई गई है तभी से यहाँ पे ग्राहक लोग बिल्कुल आते नहीं हैं, जिसके वजह से हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं। ग्राहकी बिल्कुल नहीं है और ये लॉकडाउन के बाद में तो और भी हमारे लिए इश्यूज़ हो गए हैं। तो इन्होंने डट के उनको कंटिन्यूस फॉलोअप करके एनएमसी से ऑफिसर का रिक्वेस्ट करके और ये फाइनली ये चीज़ संभव हुआ है कि अभी पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। हम इनके और इनके प्रशासन के हम लोग शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। अपना दुकान का आगे पार्किंग का बहुत तकलीफ था, अभी नितिन भाई ने बहुत कोशिश करके उसका पार्किंग हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास बना के दिया। अभी उम्र वाला से छोटा बच्चा तक आराम से गाड़ी में बैठ के सामान लेने के लिए आसान हो जाता है और नज़दीक से आके सामान लेने के भी इजी हो जाता है। इसके लिए आने वाला भी खुश, हम लोग भी थोड़ा धंधा बढ़ गया, सब लोग खुश। इसके लिए ये काम अच्छा करके दिया नितिन भाई को हम लोग पूरा धन्यवाद करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए नितिन कंधारी ने पालिका और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। सेक्टर 17 वाशी बिग स्प्लैश, यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू था, नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया था। हमने हमारे DCP ट्रैफिक और NMMC कमिश्नर सभी से रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे झाड़ हैं बड़े बड़े, 25-30-40 साल पुराने झाड़ हैं, उनके बीच में अगर पार्किंग हो तो ट्रैफिक नहीं अटक सकती है। मैंने फोटोग्राफ्स भी भेजे थे उनको और थोड़ा समय लग गया, थोड़ा फॉलोअप लगा, लेकिन आज वो राहत मिल गई कि यहाँ पे जो नो पार्किंग के बोर्ड्स थे वो निकल गए। यहाँ के दुकानदारों को बहुत राहत हो गई, यहाँ पे जो लोग बूढ़े बुजुर्ग सामान लेने आते थे उनको बहुत राहत मिल गई। तो इस वक्त मैं हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका और हमारे डिप्टी ट्रैफिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज ये इशू उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, साथ ही के ये आवाज़ चैनल वाले जिन्होंने फॉलोअप रखा इस इशू के ऊपर कि कैसे हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की राहत के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जर्नलिस्ट सुमित रेणु के साथ श्वेता भोईर की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।